Hello everyone, welcome to your own channel Sabka Topper. Today we will discuss two topics. The first topic is personal and community issues, both matter for health, and the second one, distinctions between healthy and disease free. We were discussing chapter Why Do We Fall Ill from your class 9th science NCERT textbook. So let's start our topic. तो इस चैप्टर में हमारा जो ये सेकेंड वीडियो लेक्चर है, इससे पहले इंट्रो हमने पढ़ा था, हेल्थ एंड इट्स फेलियर के बारे में हमने पूरा डिस्कस करा हुआ है, ठीक है, वो दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट थे. अब हमें जो ये पढ़ना है वो है पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज, बोथ मैटर फॉर हेल्थ. ये टॉपिक हमें जो है स्टडी करना है. हमने हेल्थ की एक डेफिनेशन स्टडी की थी प्रीवियस वीडियो में, है ना. हमने एक हेल्थ की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मैंने आपको कहा था कि ये पूरा जो आपका चैप्टर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, हेल्थ की डेफिनेशन, है ना. स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल, बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली मेंटली एंड सोशली. मीन्स अगर आप फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और सोशली भी फिट हो, है ना. फिजिकल फिटनेस तो आप हम सब देखते हैं हमारी बॉडी की फिजिकल फिटनेस कैसी है, मेंटल फिटनेस हम देखते हैं, है ना. एक रिकैप लेंगे कि पहले हमने क्या पढ़ा था, फिर स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक. मेंटल फिटनेस हमने डिस्कस करना है. मेंटल फिटनेस क्या चीज़ हो गई, कि आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, आप डिप्रेशन की स्टेट में तो नहीं हो, ये सारी चीज़ें आपकी मेंटल फिटनेस पे. और सोशल फिटनेस का मतलब क्या है, कि आपका सोसाइटी के साथ कैसा बिहेवियर है, ठीक है, आप सबके साथ प्रॉपरली बिहेव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हमने देखा था. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, हेल्थ के बारे में हमने स्टडी किया था. हेल्थ की जो ये डेफिनेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो. और इसी से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज. तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या देखेंगे, कि जो पर्सनल इश्यूज होते हैं हमारे और कम्युनिटी के जो कुछ इश्यूज हैं, ये सब हमारी हेल्थ पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है. ये सब कुछ मैटर करता है हमारी हेल्थ, क्योंकि हमने देखा ना कि स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये हमने पढ़ा था हेल्थ के बारे में. तो हमें ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि फिजिकल मेंटल और सोशल, ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी से अफेक्टेड होती हैं, ठीक है. इफ़ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इट कैन नॉट बी समथिंग दैट ईच वन ऑफ अस कैन अचीव इंटायरली ऑन आर ओन. ये बात तो सही है कि अगर हेल्थ का मतलब फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम इंटायरली ये तीनों चीज़ों को अपने आप से अचीव कर लें. हमारे आसपास की सराउंडिंग्स का भी उन चीज़ों का भी इन पर इफेक्ट पड़ेगा. द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स. ये मैंने आपको कहा कि आपकी सराउंडिंग का इफेक्ट पड़ेगा और देयर इन्वायरमेंट, जिस भी इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, जो भी आपकी सराउंडिंग है, उस सब का इफेक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ेगा. अब तो आपको क्लियर हो रहा है ना कि हेल्थ सिर्फ आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं है, ठीक है. अगर आप बस वैसे सोचो कि हेल्थ तो हमारी फिजिकल फिटनेस है, अगर हम डिजीज़ फ्री हैं तो हम हेल्दी हैं, तो आप सोचोगे कि डिजीज़ फ्री होने का तो बहुत कम चांसेस है कि हमारे सराउंडिंग से इफेक्ट पड़ेगा. लेकिन अब आपको ये चीज़ उन्होंने पहले ही क्लियर कर दी है बुक में, कि हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज़ फ्री नहीं होना होता है, सिर्फ फिजिकली फिट होना नहीं होता है, ठीक है. द एनवायरमेंट इंक्लूड्स द फिजिकल एनवायरमेंट. सो फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ इज़ एट रिस्क इन अ साइक्लोन इन मैनी वेज. तो ये हमने ऊपर प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था कि हेल्थ, अगर आपका साइक्लोन आता है, अर्थक्वेक आता है, किसी भी तरीके की ट्रेजेडी होती है, तो उससे आपका हेल्थ किस किस तरीके से इफेक्ट होता है. बट इवन मोर इम्पॉर्टेंटली, ह्यूमन बींग्स लिव इन सोसाइटीज़. अब हम सब कहाँ रह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स तो सोसाइटीज़ में रहते हैं. आर सोशल इन्वायरमेंट, हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट है आसपास का, देयरफॉर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आर इंडिविजुअल हेल्थ. एक इंसान की हेल्थ पर अगर देखें, तो उसकी सोसाइटी में क्या चीज़ें चल रही हैं, उसकी सोसाइटी में क्या कुछ हो रहा है, उसका इफेक्ट बहुत पड़ता है. आप खुद भी इस चीज़ को विजुअलाइज करो, ठीक है, आपको खुद पता चलेगा कि कैसे इफेक्ट होता है. अगर आपकी सोसाइटी में कुछ रॉन्ग हो जाए, कुछ जो है ऐसा हो जाए, तो उसका इफेक्ट आप पर भी पड़ता है. वी लिव इन विलेजेस, टाउन्स और सिटीज़. इन सच प्लेसेस इवन आर फिजिकल एनवायरनमेंट इज डिसाइडेड बाय आर सोशल एनवायरनमेंट. ठीक है, आपको ये समझ आ रहा है कि हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा होगा, जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है हमारे आसपास का, हमारा ये सब कुछ हमारा सोशल एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा. ठीक है, अगर आपके सोसाइटी में सभी लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते होंगे, ठीक है, तो आप भी जाओगे, आपकी फैमिली से भी सब जाएंगे, तो सब लोग एक्टिव रहेंगे. ठीक है, तो उस सोसाइटी का, उस वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कुछ ऐसा है. ठीक है, वहीं किसी सोसाइटी में सब लोग कोई भी मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाता, नो गार्डन्स, नो पार्क्स, तो ऐसी जगह पर क्या होगा, फिर आपका एनवायरनमेंट भी उस अकॉर्डिंगली अडेप्टेड रहेगा. तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है समझाया मैंने, ये चीज़ आपको समझना था. यहाँ पर ये चीज़ आपको बताई गई है कि सोशल एनवायरनमेंट से कैसे आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, आपका जो फिजिकल फिटनेस है, आपकी हर चीज़ जो है डिपेंड करती है.
Consider what would happen if no agency is ensuring that garbage is collected and disposed. यहाँ पर आपको ये बता दिया गया कि अगर आपकी सोसाइटी में कोई गार्बेज कलेक्ट करने के लिए कोई एजेंसी नहीं बनाई जाएगी तो क्या हो सकता है. What would happen if no one takes responsibility for cleaning the drains and ensuring that water does not collect in the streets or open spaces? तो यहाँ पर ये बताया गया कि अगर आप ऐसा सोचो कि अगर किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले इस चीज़ का कि आपकी ड्रेन्स क्लीन हो रही है या नहीं, नाली वगैरह जो है आपकी ड्रेन्स वगैरह वो क्लीन हो रहे हैं या नहीं, वाटर जो है वो कलेक्ट हो रहा है स्ट्रीट्स में या नहीं हो रहा, किसी ओपन स्पेस में तो वाटर कलेक्ट हो नहीं रहा, तो ये सब कुछ चीज़ें जो है अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चीज़ों की नहीं लेगा तो क्या हो सकता है. इसीलिए सोसाइटी का बहुत ज़्यादा जो है कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है एक पर्सन की हेल्थ में. सो इफ देर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ गार्बेज थ्रोन इन आवर स्ट्रीट्स और इफ देर इज ओपन ड्रेन वाटर लाइंग स्टेग्नेंट अराउंड वेयर वी लिव द पॉसिबिलिटी ऑफ पुअर हेल्थ इंक्रीजेज. अब देखो क्या क्या हो सकता है, कैसे आपकी पुअर हेल्थ होगी. और आप यहाँ पे देखना कि सोसाइटी का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है. देखो अगर गार्बेज कहीं पर स्ट्रीट्स में थ्रोन है और कोई भी डिस्पोज करने के लिए गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए कोई एजेंसी नहीं है, कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब कुछ ऐसे ही बिखरा पड़ा है, या फिर कहीं आपका ओपन ड्रेनेज सिस्टम है, ओपन है पूरा आपका ड्रेन, ठीक है, वाटर जो है स्टेग्नेंट यानी कि कहीं पर पड़ा हुआ है, जमा हुआ वाटर है, कहीं पर स्टेग्नेंट हो रखा है वो वाटर, ठीक है. वाटर स्टेग्नेंट का मतलब क्या है कि वो मूविंग वाटर नहीं है, एक जगह पर कहीं इकट्ठा हो रखा है वो पानी, ठीक है. तो अगर स्टेग्नेंट रह जाता है तो आपने डिजीजेस के बारे में आपको पता होगा कि अगर स्टेग्नेंट वाटर होता है तो कितनी टाइप ऑफ डिजीजेस हो जाती है, मस्कीटोज आ जाते हैं, तो ये सब कुछ आपको पता होगा, ठीक है. तो स्टेग्नेंट वाटर जहाँ हम रहते हैं अगर ऐसा होता है या ओपन जो है ड्रेन है, द पॉसिबिलिटी ऑफ पुअर हेल्थ क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीज हो जाएगी, है ना. यहाँ से क्या होगा, डिजीजेज आएंगी, है ना. और साथ ही में हम ह्यूमन बीइंग्स का भी क्या है कि अगर हम क्लीनिनेस में नहीं रहते हैं, हाइजीनिक नहीं रहते हैं, तो बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं, क्योंकि सैनिटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देयरफॉर पब्लिक क्लीनिनेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ. क्लीनिनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आपका सैनिटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लीनिनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है. अब यहाँ पे आपको दो एक्टिविटी दी हुई है. प्रोविजन मेड बाय अ लोकल अथॉरिटी. पहला मैं आपको ये बताएगा कि पंचायत है आपकी या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पर क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं, ठीक है, कि आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल सके. तो ये आपको पता है, ठीक है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि कैसे वाटर सप्लाई होती है हमारे घर में. फाइंड आउट हाउ योर लोकल अथॉरिटी मैनेजेस द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन योर नेबरहुड. ये सब आपको देखना है कि कहाँ से आपका जो अथॉरिटी का वेस्ट वगैरह जो भी कलेक्ट होता है उसको अथॉरिटी कहाँ पर डिस्पोज करती है, कैसे मैनेज किया जाता है उसको, क्या वो तरीका जो वो अप्लाई कर रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है, जो भी चीज़ वो कर रहे हैं वो सब कुछ करेक्ट है नहीं, आप देख आपको ये सब कुछ देखना है. तो बेसिकली एक्टिविटीज आप कर लेना. वी नीड फूड फॉर हेल्थ एंड दिस फूड विल हैव टू बी अर्नड बाई डूइंग वर्क. अब देखो यहाँ पर आपने कम्युनिटी बेसिस पे स्टडी किया कि कम्युनिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोसाइटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा. अब आप पर्सनल उस पर आ जाओ कि आप एक फैमिली में रह रहे हो, पहले तो आपने क्या देखा कि आप एक पूरी सोसाइटी में रह रहे हो, तो सोसाइटी में जो वर्क हो रहे हैं उनके कैसे इफेक्ट पड़े, पॉजिटिव नेगेटिव. अब यहाँ पर आप देखो, आप अपनी पर्सनल फैमिली में आ जाओ कि आपकी फैमिली में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं जिनके आप पर पॉजिटिव नेगेटिव आपकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहे हैं. वी नीड फूड फॉर हेल्थ एंड दिस फूड विल हैव टू बी अर्नड बाय डूइंग वर्क. अब हम सबको पता है कि हम सबको फूड चाहिए, हेल्थ के लिए फूड चाहिए. और ये फूड कहाँ से आएगा, जब कोई हमारे घर में या जो हमारी फैमिली में है वो लोग वर्क करेंगे, ठीक है. फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज़ टू बी अवेलेबल. अब इस चीज़ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वर्क करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी तो इंपॉर्टेंट है. अगर आपको कोई कहीं पर काम ही नहीं मिलेगा, कहीं पर मौका ही नहीं मिलेगा कोई काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा. ऑब्वियसली बात है कि आपके घर की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो जो है बहुत वो हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, और बेसिकली उस सिचुएशन में फिर प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी हेल्थ पर. गुड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड जॉब्स आर देयरफॉर नीडेड फॉर इंडिविजुअल हेल्थ. अगर देखो इसको तो आप नॉर्मली समझ सकते हो कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस होगी आपके घर में तो आप जो है हर तरह की चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए वो सब आप नहीं ला पाओगे, नहीं यूज़ कर पाओगे. अगर आपकी बॉडी को वो सब चीज़ें नहीं मिलेगी तो उस सिचुएशन में बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपकी जो हेल्थ है वो डिग्रेड हो जाए, आपको कोई डिजीज़ हो जाए. क्योंकि आपने देखा है ना मैल न्यूट्रिशन वगैरह जो होता है, ठीक है, मैल न्यूट्रिशन कैसे होता है कि जब आपको प्रॉपर फूड नहीं मिलता तो वो बेसिकली उसमें एक एस्पेक्ट हम देखते हैं कि फाइनेंस बहुत बड़ा वो होता है. अगर आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं होती तो उस सिचुएशन में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैल न्यूट्रिशन का जो है उनको प्रॉब्लम हो जाता है. और भी बहुत सारी जो है डिजीज होती हैं जो किसी चीज़ की डेफिशिएंसी के कारण होती हैं. तो जितनी भी डिजीजेज डेफिशिएंसी के कारण होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो ये पर्सनल हम इशू पढ़ रहे हैं उसके कारण होती है.
We need to be happy in order to be truly healthy. And if we mistreat each other and are afraid of each other, we cannot be happy or healthy. अब यहाँ पर आपने एक एक perspective तो personal में ये देख लिया कि आपका जो है इकोनॉमिक क्राइसिस हुई. अब सेकंड पर्सपेक्टिव है कि हार्मनी, आपकी लाइफ में हार्मनी है या नहीं है, पीस है या नहीं है. पीस एंड हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको हैप्पी भी रहना है ना. देखते हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैप्पी कैसे रहा जाएगा. ठीक है, आपको कैसे अपनी लाइफ को जो है स्ट्रेस फ्री बनाना है, कैसे अपनी लाइफ को आपको हैप्पी बनाना है ना. हैप्पी कैसे बना सकते हैं हम हर चीज़ को प्रॉपरली जो है करेंगे. हर चीज़ का जो हमारा प्रॉपर, अगर हमारा स्केड्यूल है हर चीज़ का, तो बेसिकली हम हैप्पी रह सकते हैं. अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला है, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको एग्जांपल्स ज़्यादा दे रही हूँ. ठीक है, तो आपको समझना है इसको. इस टॉपिक को आप अपने आप लिखो एग्जाम में, बहुत ही बेस्ट रहेगा. कुछ आपको इसमें याद कुछ नहीं करना, बस टॉपिक को समझते जाना है. ठीक है, तो बेसिकली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम टाइम में जो है स्टडी करते हैं 7 days बिफोर एग्जाम, तो वो बच्चे कहाँ से हैप्पी रहेंगे. उनको तो स्ट्रेस होगा ही, टेंशन होगी ही बहुत सारी चीज़ों की. लेकिन वही बच्चे जो बिगनिंग से स्टडी करते हैं, बिगनिंग से सारे टॉपिक्स को देख रहे हैं, सारे लेक्चर्स को, जो जहाँ से जितना कुछ आपको अवेलेबल है, बुक्स है आपके पास, ऑनलाइन सोर्सेज है आपके पास, आप जहाँ से जिस चीज़ को स्टडी कर रहे हो, बट आप डे टू डे अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो उन वो बच्चे देखे गए, वो बच्चे क्या होते हैं एग्जाम टाइम में स्ट्रेस फ्री रहते हैं. जबकि एग्जाम इज इक्वल, दोनों का एग्जाम सेम आता है, लेकिन वो उनको स्ट्रेस नहीं होता, उनको स्ट्रेस होता है. तो ये चीज़ आपको समझनी होती है. और अब तो आप लोगों के लिए इतना अच्छा हो गया, लेक्चर्स आपको इजीली मिल रहे हैं, सब कुछ पूरा बुक आपको, पूरा कंटेंट मिल रहा है. हमारे चैनल पर भी आपको सारी चीज़ें ठीक है मिल रही है. कुछ बच्चों की डिमांड्स आती हैं केमिस्ट्री वगैरह की भी और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करो, सारी चीज़ें अपलोड होगी. ठीक है, आपको बस सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को. ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे. आपको सब कुछ धीरे धीरे अवेलेबल कर दिया जाएगा चैनल पर. ठीक है, वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी एंड इफ़ यू मिसट्रीट. अब देखो, अगर आप किसी को मिसट्रीट कर देते हो, किसी को बिट्रे कर देते हो, ठीक है, किसी के साथ आपने कुछ गलत काम कर दिया, या फिर आप लोग आपस में ही आप लोगों को एक दूसरे से डर लगता है. बहुत सिचुएशंस होती हैं जब फैमिली में क्या होता है, किसी को किसी से डर लग रहा है या कुछ चीज़ ऐसी है, तो वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए. उससे क्या होता है कि हमारा माइंड कभी हैप्पी नहीं रह सकता. और हैप्पी रहना क्या होता है, हेल्दी रहना. अगर आप, क्योंकि आपने क्या चीज़ देख ली, देखो हेल्थ की डेफिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है. आप फिर से हेल्थ की डेफिनेशन पे जाओ. हेल्थ की डेफिनेशन पे क्या देखा आपने, कि बेसिकली यहाँ पर आपने हेल्थ की डेफिनेशन में ये चीज़ स्टडी की ना, कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल. तो अगर आप हैप्पी नहीं हो, आपकी लाइफ हार्मनी में नहीं है, पीस नहीं है आपकी लाइफ में, तो फिर आप कैसे हेल्दी रहोगे. क्योंकि आपने हेल्थ का तीन पर्सपेक्टिव देखे हैं, नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल एंड सोशल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, वी कैन नॉट बी हैप्पी और हेल्दी. सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ. हार्मनी तो मैंने आपको बता दिया, जो आपके पास पीस है, आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा, आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, कितना आप हैप्पी हो. ठीक है, अंदर से कैसे पीसफुल, इंटरनल आपका सोल जो है वो कितना पीसफुल है, ये इंपॉर्टेंट है. बाहर से तो ठीक है आप हैप्पी हो, बट अंदर से तो ऐसा नहीं कि आपके अंदर स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. ठीक है, सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपकी जितने भी सिबलिंग्स हैं, सब कुछ में हर चीज़ की इक्वालिटी होनी चाहिए. यानी कि आपके मन में किसी के लिए जो है ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे डिसीव कर रहा है, कोई आपको बिट्रे कर रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए. ठीक है, और ये सब आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वी कैन थिंक ऑफ मैनी अदर सच एग्जाम्पल्स ऑफ कनेक्शंस बिटवीन कम्युनिटी इशूज एंड इंडिविजुअल हेल्थ. और फिर यही बताया गया आपको कि पर्सनल हेल्थ हो गया आपका, कम्युनिटी इशूज़ हो गया, इंडिविजुअल का हेल्थ है, इस सब के बारे में आप और ज़्यादा कनेक्शंस देख सकते हो. जैसे कि मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल दिए, और भी बहुत सारे न्यूमरस एग्जाम्पल हैं इस जो ये टॉपिक है आपका, उसमें आप देख सकते हो अपनी लाइफ से रिलेटेड, या कहीं पर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको इसमें मिल जाएंगे. आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री. हेल्दी और डिजीज़ फ्री, हमने से देखा हेल्थ की तीन पर्सपेक्टिव देखे हमने, लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि हेल्थ और डिजीज़ में आखिर क्या डिफरेंस है. क्योंकि लोग कॉमनली क्या समझते हैं कि हेल्दी होने का मतलब है कि अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है तो यू आर हेल्दी, लेकिन ऐसा नहीं होता है. इसमें डिफरेंस है. डिजीज़ फ्री होना कुछ और चीज़ होती है, हेल्दी होना कुछ और चीज़ होती है. और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, ये आता है एग्जाम में. ठीक है, भले ये लगे ना इंपॉर्टेंट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है. If this is what we mean by health, what do we mean by disease? अब देखो, health तो आपने समझ लिया कि health क्या है, लेकिन आपको disease को क्या समझना है, disease क्या होगी, है ना, disease क्या है. हमने health तो समझ लिया कि health is your social, mental and your physical fitness, लेकिन disease क्या होगी. The word is actually self-explanatory. अगर हम देखें word को, disease word को, तो disease अपने आप को खुद explain कर सकता है. Can we think of it as disease?
डिस्टर्ब्ड ईज। देखो डिजीज को यहाँ पे आपको बताया, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डिजीज को क्या बताया गया है, डिस्टर्ब्ड ईज, यानी कि जब आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपको प्रॉपर कंफर्टेबल आपको फील नहीं हो रहा है, आपको डिस्टर्ब्ड फील हो रहा है, देन डिजीज हो जाती है आपको, मतलब उसको हम डिजीज कह रहे हैं, डिस्टर्ब्ड ईज होना, ठीक है। डिजीज इन अदर वर्ड्स लिटरली मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल। तो यहाँ आपको समझ आ रहा है कि अगर डिजीज बोला गया, डिजीज का मतलब क्या हो गया कि अनकंफर्टेबल होना, ठीक है, अनकंफर्टेबल ही डिजीज का मतलब है। हाउएवर द वर्ड इज यूज इन अ मोर लिमिटेड मीनिंग, लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो ये वर्ड है इसका और भी ज़्यादा जो है लिमिटेड एक मीनिंग बताया गया है जो हम समझते हैं। वी टॉक ऑफ डिजीज व्हेन वी कैन फाइंड अ स्पेसिफिक इन पर्टिकुलर कॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट, कॉज फॉर डिस्कम्फर्ट। सो बेसिकली यहाँ बताया गया कि अनकम्फर्टेबल होना ही डिजीज नहीं है, जबकि एक्चुअली अगर आपको अनकम्फर्टेबल लग रहा है, चाहे वो आपके सोशल मैनर में है, तभी भी आपको अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है, मतलब आपको कोई प्रॉपर जो है जो आपको कहें कि डिजीज है। वी टॉक ऑफ डिजीज व्हेन वी कैन फाइंड, लेकिन हमने क्या करा, इसके मीनिंग को लिमिट कर दिया कि जब हमें कोई स्पेसिफिक या कोई पर्टिकुलर कॉज होता है डिस्कम्फर्ट का, कोई प्रॉब्लम होती है, तभी हम उसको डिजीज कहते हैं। दिस डज नॉट मीन वट वी हैव टू नो द एब्सोल्यूट फाइनल कॉज। वी कैन से दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया विदाउट नोइंग एग्जैक्टली वट हैज कॉज द लूज मोशंस। बेसिकली यहाँ पे यही चीज़ आपको बताई गई थोड़ा सा, कि इसका मतलब ये नहीं है, एब्सोल्यूट फाइनल कॉज आपको इसको नहीं मानना, क्यों, बिकॉज वी कैन से दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया विदाउट नोइंग एग्जैक्टली वट हैज कॉज द लूज मोशंस। अगर आपको लूज मोशंस के बारे में ही नहीं पता है, है ना, हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता कि लूज मोशंस किस चीज़ के कारण हुए हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं वी कैन से दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया, हम कैसे कह सकते हैं कोई डायरिया से सफर कर रहा है बेसिकली यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि ये चीज़ नहीं है कि आपको यू हैव टू नो कि एब्सोल्यूट फाइनल कॉज क्या है, यहाँ पर ये चीज़ का कोई वो नहीं हो रहा है। वी कैन से दैट सफरिंग समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया, हम ये कह सकते हैं कि कोई पर्सन किसी को डायरिया हो रहा है, कोई डायरिया से सफर कर रहा है विदाउट नोइंग, ये बिना जाने कि एग्जैक्टली किस चीज़ ने उसको लूज मोशंस किए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा ना, आपने अभी ऊपर जो टॉपिक दिया उसी से ये रिलेट कर रहा है, ठीक है। वी कैन नाउ ईजिली सी that it is possible to be in poor health without actually suffering from a particular disease. ऐसा हो सकता है कि हमें कोई disease ना हो but हमारी health फिर भी poor हो, ये चीज़ आपको पता है, जैसे कि malnutrition वगैरह होता है। Simply not being diseased is not the same as being healthy. यहीं पर आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आप not being diseased, अगर आपको कोई disease नहीं है, आप disease free हो, तो it is not कि आप healthy भी हो, ठीक है, ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। Good health for a dancer may mean being able to stretch his body into difficult but graceful positions. तो good health का क्या मतलब है, एक dancer के लिए good health आपको बताया गया है कि ये हो सकता है कि उसकी body, वो अपनी body को stretch कर सके, कि उसके लिए good health हो सकती है into difficult but graceful positions. Difficult and graceful मतलब वो थोड़ी सी जो है graceful positions जो है उसमें अपनी body को stretch कर सके, ये important हो सकता है एक dancer के लिए। On the other hand, good health for a musician may mean having enough breathing capacity in his her lungs to control the notes from his her flute. तो यहाँ पे बताया गया है कि दूसरी तरफ देखें तो एक musician के लिए good health क्या होगा, कि वो अपनी breathing capacity को कितना control कर सकता है according to the notes, जो भी उसके notes हैं flute के उसके according कितना control कर सकता है। To have the opportunity to realize the unique potential in all of us is also necessary for real health. तो यहाँ पर ये बताया गया कि आपके real health के लिए यहाँ पर ये बताया गया कि आपको ये भी आपका unique potential क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास ऐसा पोटेंशियल है या नहीं है, ठीक है, कि आप उसको रियलाइज़ भी कर सको कि आपका क्या चीज़ आपके हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, ये सब कुछ यहाँ पर आपको बताया हुआ है, ठीक है। सो वी कैन बी इन पुअर हेल्थ विदाउट देयर बींग अ सिंपल कॉज इन द फॉर्म ऑफ एन आइडेंटिफेबल डिजीज़, यानी कि आप उस डिजीज़ को आइडेंटिफाई ना कर पाओ लेकिन फिर भी आप पुअर हेल्थ में हो सकते हो, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न वाई When we think about health, we think about societies and इसीलिए जब भी आप हेल्थ के बारे में सोचते हो आपको सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़ दोनों को इन्वॉल्व करना रहता है, जैसे हमने अभी पढ़ा। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी थिंक अबाउट डिजीज़ वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल सफरर्स, जब भी हम डिजीज़ के बारे में सोचेंगे हम किसी इंडिविजुअल सफरर के बारे में सोचेंगे। इनके बारे में, इन दोनों में, डिजीज़ फ्री और हेल्दी में डिफरेंस करने के लिए आता है। तो आपको हेल्दी की डेफिनेशन पता होगी, हेल्थ की डेफिनेशन पता होगी, तो आप उसको ईजिली एनालाइज कर सकते हो। डिजीज़ फ्री का आप मीनिंग बता दो कि डिजीज़ फ्री होने का क्या मतलब है, डिजीज़ का क्या मतलब है, हेल्थ का क्या मतलब है, तो उस तरीके से आप इसको जो है पॉइंट वाइज डिफरेंशिएट
कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया है, ये दोनों, ये टॉपिक आपको पूरा समझना ही है, डिजीज फ्री और हेल्थ वाला, ठीक है। उसके बाद आप अपने आप डिफरेंस करके, क्योंकि एग्जाम में 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आता है, तो आपको 2-3 पॉइंट्स इसके जो है प्रॉपरली जो है बना लेने हैं, ताकि आप इजीली उसको लिख सको। और पर्सनल एंड कम्युनिटी इशूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ, ये टॉपिक भी हमारा यहीं पर जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स।